योगी सरकार के आदेश पर मानक के विपरीत तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों पर प्रशासन का डंडा चला। साथ ही बिना अनुमति के सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर लगाए गए ज्यादा आवाज वाले स्पीकर को उतरवा दिया गया। सोमवार को प्रशासन के आदेश पर चलाए गए अभियान के तहत 61,399 धार्मिक स्थलों पर चेकिंग की गई, जिनमें से 7,288 स्पीकर्स के वॉल्यूम कम कराए गए। तो वहीं राज्य भर में 3,238 ऐसे धार्मिक स्थान थे जहां स्पीकर्स उतरवा दिए गए। आपको बता दें कि सीनियर अफसरों की निगरानी में यह अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाने या निर्धारित मानक से ज्यादा आवाज में बजाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सूबे में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल कुछ जो डेसिबल्स हैं वो मानकों के हिसाब से तय किए जाते हैं, और अगर उन डेसिबल्स से ऊपर किसी भी स्पीकर की वॉल्यूम पाई जाती है तो उसके बाद एक्शन लिया जाता है। 22 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में ये अभियान जारी रहेगा। अब यूपी में लाउड नहीं होंगे स्पीकर। अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान, मचा घमासान। यूपी पुलिस एक्शन में आई, स्पीकर की आवाज कम करवाई। हाल ही में हलाल प्रोडक्ट के बैन को लेकर खबरों में रहा उत्तर प्रदेश एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और मॉडल पर फिर से कानूनी एक्शन तेज हो गया है। प्रदेश भर में प्रशासन लाउडस्पीकर हटाओ मॉडल पर सख्ती से काम कर रहा है। अफसरों को सख्त आदेश हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, आरती हो या अजान, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर अगर नियम तोड़ते दिखें तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसे लेकर प्रदेश के तमाम शहरों में धार्मिक स्थलों पर जाकर जांच की जा रही है। राजधानी लखनऊ, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, झांसी में लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जिले के एसपी, थानेदार, एसीपी और डीसीपी अपने अपने इलाकों में चेकिंग करते दिखे। जहां पर भी लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा से ज्यादा थी वहां पर या तो उनके वॉल्यूम कम कराए गए या फिर लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। सोमवार को पुलिस ने यूपी के अलग अलग जिलों में धार्मिक स्थानों पर लगे 61,399 लाउडस्पीकर्स की जांच की। इनमें से 7,288 के वॉल्यूम कम कराए गए। वहीं तय सीमा से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी में 3,238 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया जिनकी आवाज मानक से ज्यादा थी। साथ ही स्पीकर्स को तेज आवाज पर चलाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए। लाउडस्पीकर्स की चेकिंग के लिए उनकी आवाज के डेसिबल मापे गए। यूपी पुलिस लाउडस्पीकर की आवाज पर लगाम लगा रही है, लेकिन इस पर सियासत फुल वॉल्यूम में हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम और लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, पर तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता और अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। वाकई सरकार को ये एहसास है कि ये माइक के वजह से लोगों को डिस्टरबेंस होता है, तो ये जो यात्राएं निकलती है कई कई घंटों तक जाम लग जाता है, उसमें जिस तरह माइक और डीजे बजता है उससे जो नुकसान होता है उस पर क्यों नहीं आप रोक लगाते हैं, उसको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में कांवड़िया यात्रा निकलती है, सड़कें जाम हो जाती है और उसके ऊपर में रास्ते में जो है वो डीजे और ये सब चीजें बजती है, उससे जो नुकसान होता है उसको रोकने की कोशिश नहीं। तो ये जो बात है कि किसी एक खास बात के धर्म स्थल के ऊपर एक माइक लगा हुआ है, दो तीन मिनट के लिए कोई अजान होती है या कोई भजन गाया जाता है, उस पर तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। हालांकि योगी सरकार की ये मुहिम सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, बल्कि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। जिनकी आवाज तय लिमिट से ज्यादा है उसे कम कराया जा रहा है, जिनमें कई मंदिर भी शामिल हैं। उसके ऐसे निर्देश हैं कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनको धीमी गति से बजाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो और मंदिर परिसर में ही आवाज, इस तरह का निर्देश दिया गया।
जैसा निर्देश दिया गया है उसका पालन हो। उन्होंने कहा अगर तेज आवाज में बजेगा तो कार्रवाई होगी, इसलिए मध्य बोलियम में अपने मंदिर परिसर में ही आवाज आ। नियम कहता है कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाली लाउड स्पीकर की आवाज उसके परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। हालांकि भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के मुताबिक ये लिमिट 65 डेसिबल तक ही निर्धारित की गई है। जब दो इंसान आपस में सामान्य आवाज में बात कर रहे होते हैं तो ये आवाज 60 डेसिबल होती है। उत्तर प्रदेश सरकार CPCB की ही गाइडलाइंस को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। भारत में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज 110 डेसिबल या उससे ज्यादा होती है। अवैध लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र, उनकी वॉल्यूम कम कराना और उनको वहां से उतरवाया गया है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनके द्वारा बार बार समन्वय स्थापित करने के बाद, संवाद स्थापित करने के बावजूद भी वहाँ पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए और तेज आवाज रखी गई, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और काफी संख्या में इस प्रकार के लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तार के यंत्रों को हटवाया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब UP में लाउड स्पीकर की आवाज नियम के मुताबिक की जा रही है। पिछली बार भी पूरे राज्य में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर या तो हटाए गए थे या फिर उनकी आवाज कम कराई गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से नियम तोड़े जाने लगे, जिसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा अभियान चलाया है।